हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ग्यासुद्दीन। आज मैं आप लोगों को थायराइड के ट्रीटमेंट, थायराइड के मेडिसिन, थायराइड के टेस्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर एक हार्मोन कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन या तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या तो कम प्रोड्यूस होता है। हार्मोन में होने वाले इस बदलाव के कारण हमारा इंटरनल सिस्टम खराब होने लगता है। ऐसे पेशेंट को इंसोमोनिया, वेट लॉस, ओबेसिटी जैसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको लगातार दवा लेनी पड़ती है। यह दवाई गले में मौजूद तितली आकार का थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है ताकि हार्मोन लेवल बना रहे। थायराइड लेवल सामान्य न हो तो हार्ट, नर्वस सिस्टम और फर्टिलिटी से रिलेटेड तकलीफ हो सकता है, लेकिन दवाई लेने के सही समय और सही तरीके का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हमेशा थायराइड मेडिसिन को खाली पेट खाने के लिए कहते हैं। थायराइड मेडिसिन खाली पेट ही खाना चाहिए, ये अपना काम खाली पेट ही दिखाता है। दोस्तों, नाश्ते से आधे घंटे या 1 घंटे पहले इस दवा को खाएं, खाने के बाद ना खाएं, कोई फायदा नहीं करेगा। खाने से पहले इस दवा को खाते हैं तो बहुत फायदा करेगा और इस दवा को खाने से पहले ही खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे बीमारी के दवा खा रहे हैं या कोई और दवा खा रहे हैं तो उस दवा से इस दवा का आधे घंटे से 1 घंटे का डिफरेंट रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इसके कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट ऐसे हैं, T1, T2, T3, T4 और TSH। दोस्तों, अगर आप थायराइड के मरीज हैं और आप अपनी डोज से कम दवा लेते हैं तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं तो यह आपके लिए टॉक्सिस हो सकता है और भी दूसरी तरह की समस्या पैदा हो सकती है। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए दवा रोज लेना चाहिए और उसका डोज के हिसाब से दवा लेना चाहिए। थायराइड आपके वजन बढ़ने या घटने के अनुसार, इंसुलिनिटी के अनुसार भी डॉक्टर आपकी सलाह देते हैं। आजकल प्रेगनेंसी के बाद अधिकतम महिलाओं को थायराइड की समस्या होने लगती है। कुछ महिलाओं को लगातार ये दवाई लेनी पड़ती है। आजकल पुरुषों भी थायराइड की समस्या देखी जा रही है। बहुत ही कम केस हैं थायराइड के लक्षण धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको अपनी दवाई लेनी चाहिए ताकि आपका हार्मोन लेवल पूरी तरह कंट्रोल रहे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।